हरे कृष्णा। आज है हमारा डे 6 यात्रा का और आज का व्लॉग हम शुरू करने वाले हैं द्वारका से, गोमती नदी के पास से। और आज मैं आपको सारी इम्पोर्टेंस बताऊंगा कि इस रिवर की, इस होली रिवर की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, और सारा अच्छे से दर्शन करेंगे, पूरा आपको व्लॉग दिखाने वाले हैं। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा, आज के व्लॉग को देखिएगा, ज़रूर बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में। हरि बोल। गोमती नदी के बाद अब हम जा रहे हैं द्वारकाधीश टेंपल विजिट करने के लिए, और सिर्फ गोमती नदी से 5-6 मिनट दूर है। फिर ट्रेडिशन है, आप थोड़ा सा या तो पानी अपने ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं गोमती माता का, और या फिर आप अच्छे से स्नान कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सो वी आर हियर इन अ वेरी ऑस्पिशियस एंड ऑप्यूलेंट प्लेस द्वारका। बिहाइंड मी इज द द्वारकाधीश टेम्पल। एवरी डे इट्स ए ट्रेडिशन हियर दैट देन आफ्टरनून दे चेंज द फ्लैग अबोव, एंड दी स्टेप्स which are leading towards the Dwarkadesh, no? is considered very famous because on these steps many Acharya, Shankaracharya, Ramanujacharya, Acharya stepped and went ahead. So it's considered that we are following the footsteps of those Acharyas and taking darshan. If you go into the temple, you see the beautiful deity of Dwarkadesh holding Shankha, Chakra, Gada and Padma with a stick. Today is very specifically decorated as Nathadwar Srinathji holding a Govardhan. That type of dressing they have done. In front of him is Devaki, his own mother, whom he always takes blessings. He always keeps his mother in the front so that his life could be auspicious. In South India there is a tradition, whenever people go out, their mothers, they come in the front and then they cross over it. They go, not cross over it, they take her blessings and they move ahead. And then you see in his left side he kept his brother Balaramji. On his right side he kept his two sons Pradyumna and Aniruddha. On his back side he kept his the 8 queens, on which in this yatra we named the 6 to 7 groups and made him. Hare Krishna. तो आज का हम सेकंड टेंपल अपना विजिट कर रहे हैं, विच इज मनी द्वारका। भगवान की सबसे बड़ी रानी द्वारका में आओगे, द्वारका जी का दर्शन करके घर चले जाओ तो आपको आधे आधे रुक्मणी माँ का दर्शन करो। द्वारका धाम की यात्रा बड़ी दर्शन करने के बाद पानी पीना जरूरी है, मेन प्रसाद पानी का, एक परिक्रमा घर के आगे जाने का है। दूसरा कार्य ये पानी कहाँ पीना, नीचे सामने का। अच्छा, दूसरा कार्य पानी का दान, यहाँ पानी का ही दान क्यों होता है, उनके पीछे का कारण है दुर्वासा ऋषि का श्राप। भगवान के गुरु दुर्वासा ऋषि, उसने श्राप दिया कि आपकी द्वारका भूमि में सब चीज मिलेगा लेकिन पीने का मीठा पानी नहीं। आज की तारीख में भी ये श्राप की वजह से पीने योग्य एक बूंद भी मीठा पानी मिलता ही नहीं है। पूरे 8 किलोमीटर के एरिया में आप कुछ भी करो, कुआ करो, बोरिंग करो, तो मीठा स्वीट वाटर मिलता ही नहीं, हमारा पानी मिलता है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर ट्रक टैंकर के माध्यम से पानी आता है, वो पानी का 4 हिस्सा होता है, पहला हिस्सा गौ माता के लिए, दूसरा पंछी के लिए, तीसरा कृष्ण के लिए तथा माता जी के लिए। तो दोस्तों हम हैं अभी द्वारका की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन पे। देखिए ये है यहाँ का सनसेट पॉइंट, जहाँ पे अभी हम हैं
और बहुत ही स्पेशल पर्पस के लिए, सिर्फ घूमने नहीं आए हैं, दर्शन करने नहीं आए हैं, दर्शन करवाने आए हैं यहाँ पे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या अरेंजमेंट्स हुए हैं आज शाम। आप देख सकते हैं पूरा कीर्तन का अरेंजमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। सारी तैयारियां हो रही हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये शिव जी का टेम्पल है जिसके पास हम सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं। और लोकेशन एक बार देखिए, कितनी अमेजिंग लोकेशन है।